Assalamualaikum dear students, this is Asif Altaf Memon. By profession I am professor in English from College Education Department. Dear students, जैसे आपको पता है कि आजकल जो सखर आई बी ए टेस्टिंग सर्विसेज है मुख्तलिफ जॉब्स के लिए पेपर कंडक्ट हो रहे हैं और इसी हवाले से मुख्तलिफ सेक्शंस दिए गए हैं, उसमें 40 MCQs आपके इंग्लिश में से हैं. ठीक है, तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो पेपर है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए, ताकि आप लोगों को फैसिलिटी हो या आप एक किस्म की कन्वीनियंट हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके आंसर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आपके हैं कॉम्प्रिहेंशन में. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको क्या देने होते हैं, उसको आपको रिस्पॉन्स देना होता है. और वो सारे ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो पैराग्राफ में ही मौजूद होते हैं. आपको सिंपली उसको रीड आउट करना होता है सिंपली, और वहाँ से आपको उनके आंसर्स देने होते हैं. ठीक है, तो आज का जो पैराग्राफ दिया गया है वो उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है हमारे पास, उसका नाम है सदोरी. ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं तो जो हमारे पास पहला एमसीक्यू है उसमें पूछता है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डेड सदोरी हैव. तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो सदोरी है, जो पैराग्राफ में एक कैरेक्टर है, उसमें पूछा जाता है कि सदोरी के कितने भाई और बहन हैं. द वर्ड सिबलिंग मीन्स भाई बहन. सो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगी तो इसका आंसर मतलब ऊपर दिया गया है, वहाँ पर लिखा है कि भाई सदोरी हैड टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स. ठीक है, तो सदोरी के जो सिबलिंग्स थी, जो भाई और बहनें थीं, दो बहनें थीं और दो भाई थे. तो इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो क्या होगा, उसका आंसर होगा बी, 4. अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन इज सदोरी वाज एन अनफॉर्चुनेट चाइल्ड बिकस. इसमें पूछा गया है कि भाई जो सदोरी है वो एक अनफॉर्चुनेट चाइल्ड थी, वो एक बदकिस्मत बच्चा थी. क्यों थी? उसके चार ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन हमारे पास है कि हर पेरेंट्स वर पुअर, उसके जो पेरेंट्स थे वो पुअर थे. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है हर पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड, उसके बचपन में ही जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपायर हो गए थे. थर्ड वन इज शी कुड नॉट सी हर पेरेंट्स. तीसरा ये है कि वो उसने अपने पेरेंट्स को देखा ही नहीं. और जो फोर्थ वन इज शी वाज अ पोस्थमस पेरेंट्स. ठीक है, तो अगर प्रॉपर ऑप्शन की बात की जाए कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं जिसमें कहते हैं भाई शी कुड नॉट सी हर पेरेंट, और दूसरा हमारे पास है हर पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड. ठीक है, तो प्रॉपर आंसर होगा हमारे पास बी, शी हर पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वाज अ स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि वो जब छोटी ही थी तो उसके जो पेरेंट्स थे वो एक्सपायर हो गए थे व्हाइल शी वाज ऑन ब्रस्ट फील्ड. ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन इज सदोरी वाज ऑर्फंड. ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि भाई जो वर्ड जो सेंटेंस हमारे पास सदोरी वाज ऑर्फंड, ये किस किस्म का सेंटेंस, आइदर इट्स एक्टिव है या पैसिव है, या एडमेटिक लैंग्वेज है या इनफॉर्मल लैंग्वेज है. तो देखिए जी, आपको बताता चलूँ कि हमारे पास लैंग्वेज में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो हमें पैसिव लगते हैं, बट दी सेंटेंसेस आर इनएक्टिव नेचर. तो जो प्रॉपर ऑप्शन है इसका सदोरी वाज ऑर्फंड, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है दैट इज ये हमारे पास ऑप्शन ए है. इट्स एन एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है हमारे पास. एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं कि एक अंडरलाइन वर्ड है हैंड टू माउथ, इसकी मीनिंग क्या है. अगर हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इसका जो प्रॉपर आंसर है एमसीक्यू नंबर 4 का दैट इज बी. बी हमारे पास है, बी इज मतलब यहां पे मेरे पास क्लियर नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा इसका बी ऑप्शन जो मेरे पास है. ठीक है, एमसीक्यू नंबर 5, शी हेल्प्स द पुअर एंड नीडी. इट अपीयर्स फ्रॉम हिज सेंटेंस दैट सदोरी इज डैश. ठीक है, अब ऑप्शंस आर जेनरस, गुड नेचर्ड, एमिकेबल और सोशलेबल. पांचवा एमसीक्यू कहता है कि भाई एक सदोरी थी, वो मदद करती किसकी, गरीबों की और लाचारों की मदद करती थी. अब इस पुअर एंड नीडी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है दैट इज जेनरस, मींस वो बहुत अच्छी नेचर की थी, लेकिन शी वॉज जेनरस इन नेचर. जेनरस इन नेचर मींस वो बहुत सखी थी, लोगों की मदद करने वाली थी. एमसीक्यू नंबर 6, Who does Sadori take as her benefactor? ठीक है, अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि भाई जो सदोरी है वो बेनिफैक्टर किसको लेती है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अ रिच मैन. उसका ऊपर पैराग्राफ को रीड आउट करेंगी तो बिल्कुल सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ विलेज वेयर सदोरी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप.
ही केम टू नो ऑफ हर कीन इंटरेस्ट फॉर एजुकेशन एंड पॉवर्टी. तो मतलब जो रिच मैन था उसको फैसिलिटेट किया उसने, और उसको हायर एजुकेशन हासिल करने में उसको सपोर्ट भी किया और उसको प्रॉपर गाइडलाइंस भी दी. तो रिच मैन विल बी द प्रॉपर आंसर. एमसीक्यू नंबर 7, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज स्क्वायर मील इज डैश. द वर्ड स्क्वायर मील की जो मीनिंग हमारे पास है दैट विल बी सी, गुड सेटिस्फाइंग मील. एमसीक्यू नंबर 8, द पैसेज हैज बीन रिटन इन टू टेंसेस. द टेंसेस आर, देखें जी जो आपको पैराग्राफ दिया गया है जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन से टेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं. प्रेजेंट है, पास्ट है. प्रेजेंट की भी आपको पता है कि प्रेजेंट की भी हमारे पास चार फॉर्म्स हैं, पास्ट में भी हमारे पास चार कंडीशंस हैं, फ्यूचर में हमारे पास चार कंडीशन है. अगर इन टेंसेस को डिफाइन किया जाए और सेंटेंस को, अगर पैराग्राफ को प्रॉपर तरीके से रीड किया जाए तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास प्रॉपर ऑप्शंस हैं वो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो जितना भी पैराग्राफ है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है और पास्ट सिंपल टेंस में है हमारे पास. ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास एमसीक्यू नंबर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन नंबर बी. एमसीक्यू नंबर 9, द सर्विस सदोरी नाउ रेंडर्स इन हर स्पेयर टाइम इज. अब पूछा जा रहा है कि भाई सदोरी अपने फ्री वक्त में, लीजर टाइम में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. आइदर रिलीजियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सोशल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, या कम्युनिटी वेलफेयर सर्विसेज. तो इसका ऑप्शन प्रॉपर क्या है कि भाई वो जो अपनी कम्युनिटी के नादार बच्चे थे, जो पुअर बच्चे थे, जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उसको सर्विसेज दे रही थी. तो इसका प्रॉपर ऑप्शन क्या होगा, कम्युनिटी वेलफेयर सर्विसेज होगा. एमसीक्यू नंबर 10, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच आर द पुअर एंड द नीडी. ठीक है भाई, जितने सेंटेंस जितना पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसमें एक वर्ड है द पुअर एंड द नीडी. अब द पुअर एंड द नीडी ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है, आपको एक बात बताता चलूं, देखें पुअर एंड नीडी हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं. किसी भी एडजेक्टिव के साथ जब डेफिनेट आर्टिकल द या दी का यूज हो जाता है तो वो आर्टिकल की मदद से वो जो एडजेक्टिव होता है वो सिंपली चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारे पास नाउन में. सो प्रॉपर आंसर इज ए, नाउन. ठीक है, अब सेकंड पोर्शन हमारे पास है सिनोनिम का. ठीक है, अब हम सिनोनिम को डिस्कस करते हैं. सेंटेंस, द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11th August 1947. ठीक है, अब जो अंडरलाइन वर्ड एड्रेस है व्हाट डज इट मीन. ठीक है, जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है एड्रेस, व्हाट डज इट मीन. एड्रेस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके सिनोनिम क्या है. ऑप्शन आर, कहते हैं कि भाई वेयर अबाउट्स. ऑप्शन बी, डिटेल्स ऑफ वेयर समबडी लिव्स और वर्क. ऑप्शन सी, अ फॉर्मल स्पीच दैट इज मेड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. एड्रेस कैसे है स्पीच को, सरमन को. तो क्या है, अ फॉर्मल स्पीच दैट इज मेड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, वो तकरीर जो आप लोगों के सामने पेश करते हैं, अपने ख्याल का इजहार करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एट व्हाट, एड्रेस और स्पीच. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 12, फेसबुक हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर दीज डेज. हमारे यहाँ मतलब हमारे पास जो वर्ड अंडरलाइन है दैट इज पॉपुलर. अब पॉपुलर की मीनिंग डिफाइन की, भाई इसको डिफाइन करना है कि किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ऑप्शन आर फेमस. ऑप्शन बी इज लाइक्ड एंड एंजॉयड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. सी इज नोन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन रीच ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. द प्रॉपर आंसर इज बी, लाइक्ड और एंजॉयड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, एमसीक्यू नंबर 13, He made an attempt on the world land speed record. Word attempt का synonym हमें देना है. ठीक है, अब word attempt का synonym हमारे पास क्या है, that is A, effort. ठीक है, 14, A cake of soap lies there. ठीक है, अब कहता है कि केक का synonym क्या होगा. ठीक है, if it is used with the help with soap, तो इसका option होगा हमारे पास D, bar. MCQ number 15, The sun shone endlessly. ठीक है, ठीक है, the sun shone endlessly. Shone का जो हमारे पास जो synonym है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो proper answer is that is हमारे पास है burned, option number C. ठीक, अब third person हमारे पास आ रहा है antonym. ठीक है, antonym means opposite, words which are opposite in nature. ठीक है, MCQ number 16 बात करते हैं, the loud noise
अवोक मी। देखिए जी यहाँ पे द लाउड की माइल्ड भी आता है, हमारे पास लो भी आता है, हमारे पास स्लो भी आता है, लेकिन हमें वो आंसर्स देने होते हैं जो क्लोजली एसोसिएटेड हों, बिल्कुल मतलब 1920 का डिफरेंस हो जिनमें, तो हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वन होता है हमें उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाउड का जो आंसर हमारे पास है दैट इज सी, दैट इज स्लो, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 17, He has changed a lot since he got married. ठीक है, अब यहाँ पे जो word lot है इसका जो antonym है या जिसका जो opposite word है उसका opposite word हमारे पास है little. ठीक है, MCQ number 18, You can tell me it in detail. ठीक है, अब in detail means with the description, detail में देना चाहिए, ठीक है। अब detail का जो antonym होगा वो हमारे पास क्या होगा, that is a, जिसको हम क्या कहते हैं, briefly कहते हैं ना कि भाई introduce yourself, ठीक है, ब्रीफली मीन्स एक दो सेंटेंस बताएं, लेकिन कहते हैं कम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन डिटेल तो हम पूरी आगे पीछे की कहानियां बता देते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली, सम टाइम अपने पेपर भी दिए होंगे तो उसमें क्या कहता है कि भाई ब्रीफली पेन डाउन अबाउट एक्स वाई जी, तो हम क्या करते हैं एक दो सेंटेंस लिख के उसको खत्म कर देते हैं, सो प्रॉपर वर्ड इज ब्रीफली। एमसीक्यू नंबर 19, ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज्ड टू बी क्लोज ड्यूरिंग द लॉकडाउन, वर्ड अपोजिट क्लोज का क्या होगा, दैट इज ओपनड ए। She always a dream of owning a large collection of fancy clothes. ठीक है, always opposite of always will be what? Seldom. ठीक है, sometimes भी है, लेकिन जो appropriate word है, जो proper word है, that is seldom. ठीक है, अब हमारे पास जो fourth section है, that is your error detection. You people are given few sentences जिसमें आपको error rectify किया जाता है, उसको words को underline किया जाता है, and you people are given options A and B and C. आपको इन चार ऑप्शंस में से कोई एक वर्ड होता है जिसको आपको क्या करना है, उसको हाईलाइट करना होता है, इसको टिक करना होता है, इसको मार्क करना होता है, ताकि पता चल सके कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सो एमसीक्यू नंबर 21, ओवर 400 इयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग अकबर। ठीक है, अब जो आपका जो आंसर होगा, जो यहाँ पे आपका एरर है, दैट इज योर बी, यहाँ पे होगा ओवर 400। ठीक है, जहाँ पे जब भी आपको नंबर मेंशन किया जाए उसके साथ हम हमेशा क्या देते हैं, 100 देते हैं या 1000 देते हैं, लेकिन जब नंबर नहीं देता तो हम क्या कहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जहाँ पे लिमिटेशन ना हो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो सकता है, लेकिन जब नंबर दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, आप 100 एंड 1000 लिख सकते हैं, ठीक है, डन। एमसीक्यू नंबर 22, द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ्ड। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एरर है, दैट इज योर डी एरर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ, लाफ्ड नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 23, द एम्परर्स Code was full of musicians. ठीक है, यहाँ पे जो error है, that is your B, क्योंकि यहाँ पे apostrophe absent है। जब भी apostrophe दी जाती है, that represent what? Position. ठीक है, emperor's code यहाँ पे हमें position represent की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या दी गई है, हमारे पास apostrophe नहीं है, तो यहाँ पे error क्या है, हमारे पास apostrophe है। अगर यहाँ पे apostrophe होती तो ये error नहीं होता। ठीक है, 24, on the way to home a hay cart passed Hans. ठीक है, On the way, यहाँ पे जो एरर है वो क्या होगा, वो टो है, तो सेंटेंस क्या होगा, On the way home, a hay cart passed Hans. Done. MCQ number 25, Once upon a time, a tiger was caught in a cage. ठीक है, तो इसका जो एरर होगा वो that will be what? B. यहाँ पे क्या होगा, Was नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, Got caught in a cage. Done. अब बात है प्रपोजिशन, आपको पता है कि प्रपोजिशन क्या है, हमारे पास एन ऑन एट यूज होती है, जो दो चीज़ों, दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस के आपस में एक रिलेशन डेवलप करती है। ठीक है, वी विल हैव टू यूज प्रॉपर प्रपोजिशंस। तो 26 नंबर की बात करते हैं, द टाइगर सेट आस्क डैश हेल्प फ्रॉम थ्री थिंग्स यू सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, इसका आंसर होगा द टाइगर सेट आस्क फॉर हेल्प। ठीक, एमसीक्यू नंबर 27, द बॉय वॉक्ड बैक डैश द टाइगर, आंसर दैट विल बी द बॉय वॉक्ड बैक टू द टाइगर। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 28, माय सिस्टर लव्स टू ड्रॉ स्केचेस एज शी इज गुड डैश ड्रॉइंग। तो याद रखिएगा, जब भी किसी एक्सपर्टाइज की बात आएगी, जब भी किसी आर्ट की बात आएगी, जैसे अगर मैं कोई भाई, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट आर्ट, ही इज गुड एट ड्रॉइंग, तो जब भी गुड की आएगी, जब एक्सपर्टाइज शेयर करेंगे, तो उसके साथ हमेशा हम एट एज एन प्रपोजिशन यूज करेंगे, दैट विल बी गुड एट इंग्लिश, गुड एट आर्ट्स, गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट फिजिक्स, गुड एट केमिस्ट्री। ठीक है, तो ड्राइंग इज एन आर्ट, सो वी आर गोइंग टू व्हाट, एट। एमसीक्यू नंबर 29, द एलिफेंट्स वर टाइड अप डैश रोप्स। ठीक है, सो इसका आंसर इज विद द एलिफेंट्स वर टाइड अप विद रोप्स।
एमसीक्यू नंबर 30, द एलिफेंट्स रैन डैश द फॉरेस्ट एंड कॉल द माइस. तो क्या होगा, द एलिफेंट रैन एंटर द फॉरेस्ट एंड कॉल द माइस. ठीक, अब हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स यू पीपल हैव टू, एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस है आपको दिया जाता है ताकि वो ग्रामेटिकली इनकी एसोसिएशन रहे और एक सेंस और एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके. ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 31 इज द माइस बिट थ्रू द रोप्स. ठीक है, द माइस बिट थ्रू द रोप्स. एक चूहा था जिसने रस्सियों को काटा और आगे क्या हुआ उसके बाद, एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन. ठीक है, अ गुड स्टूडेंट इज, एक अच्छा स्टूडेंट वो है, कौन है, डिफरेंट ऑप्शन आर गिवन. द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज द वन हु इज पंक्चुअल रेगुलर हार्डवर्किंग. देखें यहां पे हमारे पास है द ओनली दैट है, हम मैं हुस ले कर रहा हूं कि भाई देखें जब भी हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं, ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस हो गए या जो नाउन की बात हो गई उसमें हमेशा पर्सन के लिए हु इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, एमसीक्यू नंबर 33, बाय द एंड ऑफ द वीक. ठीक है, ऑप्शन आर दे हैड गिवन ऑल द होप. ठीक है, दे हैड गिवन ऑफ ऑल होप्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. ठीक, एमसीक्यू नंबर 24, डैश इज वेयरिंग हिज न्यू यूनिफॉर्म. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ईच ऑफ द बॉयज. ठीक, ईच ऑफ द बॉयज ऑन द टीम इज वेयरिंग हिज न्यू यूनिफॉर्म. ठीक है, एमसीक्यू नंबर 35, सैंडलवुड डैश द मोर सेंट डज इट यील्ड. तो इसका ऑप्शन इज सैंडलवुड, द मोर इट इज रब्ड द मोर सेंट डज इट यील्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. अब आते हैं करेक्ट द स्पेलिंग्स, उसकी तरफ है. देखिए प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, तो इसकी जो जो प्रॉपर स्पेलिंग होगी वो हमारे पास है बी, और ट्रबल की जो स्पेलिंग है दैट इज हमारे पास ए, फ्राइटन की जो हमारे पास स्पेलिंग है दैट इज सी, चेज्ड की जो हमारे पास स्पेलिंग है दैट इज डी, और जो फोर्थ एंड फाइनल एमसीक्यू है पैलेस, उसकी स्पेलिंग हमारे पास जो करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो दैट इज 40. डियर स्टूडेंट्स, होपफुली जितने एमसीक्यूज यहाँ पे अभी सॉल्व किए हैं इनसे थोड़ी बहुत आपको हेल्प आउट मिल जाएगी. मैंने कोशिश की कि थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी क्लियरफाई किया जाए, लेकिन लिमिटेड टाइम में एक बहुत सारी वीडियो अपलोड नहीं की जाती, ना ही कॉन्सेप्ट को समझाया जा सकता है. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. ठीक है, इजाज़त दीजिएगा अपने प्रोफेसर को. अल्लाह हाफ़िज़.